आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राजस्थान में अब पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। दरअसल यहां पर बीजेपी की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि आने वाले चुनाव में अब पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि क्या गहलोत को आगे बढ़ाया जाए या फिर सचिन पायलट को। ऐसे में अब सबकी निगाहें जो है वो ज्योतिराज सिंधिया की तरफ है। दरअसल जब ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था तब राहुल गांधी की तरफ से भी ऐसे ही बयान आए थे कि उनसे गलती हो गई है, अगर ज्योतिराज सिंधिया जो है कांग्रेस में रहते तो आगे चलकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता और राहुल गांधी ने अपनी इस गलती को माना था। लेकिन अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी क्या फिर से वही गलती सचिन पायलट के साथ दोहराएंगे, क्योंकि यहां पर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसे दावे किए थे ज्योतिराज सिंधिया को लेकर कि वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें बैक बेंचर की तरह पीछे बैठा दिया जाएगा। लेकिन देखने को मिला कि बीजेपी ने उन्हें कितना अहम पद जो है वो सम्मान के साथ उन्हें दिया, सौंपा, और कितनी महत्व जो है अब रखते हैं ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में। कहीं ना कहीं बीजेपी में जो नेता शामिल हो रहे कांग्रेस को छोड़कर वो ज्योतिराज सिंधिया की वजह से हो रहे हैं। और ज्योतिराज सिंधिया ने ये भी कहा था राहुल गांधी से कि अगर आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। और अब इसी ट्वीट को लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर चर्चा यही है कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो है सचिन पायलट को राजस्थान में कमान सौंपेगी या फिर से गहलोत के साथ ही कांग्रेस इस बार भी राजस्थान में चुनाव लड़ेंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया की दोस्ती जो है वो सचिन पायलट से काफी गहरी है। ऐसे में अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और आगे चलकर वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो क्या ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में उन्हें मुख्यमंत्री पद दिलवाने में कामयाब रहते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।